अच्छे से खिलाया जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो गाइस, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, पूरा प्रीमाइसेस है। यहाँ पर देख सकते हो ये किचन है इनका, अभी यहाँ पर चीज़ें बननी शुरू हो रही है, बन रही है। 12:30 नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं हाय दिस इज अली, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ नई चीज लाते रहते हैं, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अमरावती को। तो अमरावती को एक्सप्लोर करते वक्त गाइस मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी और स्ट्रेंज भी लगी, क्योंकि आज के जमाने में इंसान के पास तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए आप कपड़ा तो फटा पुराना भी पहन सकते हो, किसी से लेकर पहन सकते हो, मकान आपका जो है ये बोल सकते हो कि आप किराए का भी ले सकते हो, मगर रोटी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है आज के हिसाब से, क्योंकि हेल्थ के लिए वो फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आज के ज़माने में आपको रोटी फ्री में नहीं देगा गाइस, मेहनत की रोटी बहुत मुश्किल वाले मामलात हैं। मगर मैं अभी जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ वो देख कर मैं सल्यूट करता हूँ उनको गाइस। एक दो दिन या एक दो महीने या एक दो साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 40 सालों की। जी हाँ, 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों से वो और उनकी तंजीम और उनकी जो शिजरा, जो उनकी ट्री डायग्राम चलती आ रही है, जो उनकी ट्री फैमिली ट्री है, उनके थ्रू 40 सालों से वो लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते गाइस, वो मॉर्निंग में सुबह 6 से 9:30 बजे के बीच नाश्ता वो उस काउंटर से देते हैं, और साथ ही साथ जो अमरावती का मेन हॉस्पिटल है फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको बोलेंगे, PDM जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी नाश्ता फ्री में रहता है। उसके साथ 12:30 से 4 के बीच शाम सुबह का जो खाना होता है वो भी फ्री में देते हैं। तकरीबन 1000 लोगों के करीब वो लोगों को खाना देते हैं गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और मुझे एक अट्रैक्टिव चीज़ लगी इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उनका कैसा है पूरा सेटअप, उनका कैसा है पूरा जो किचन है। क्योंकि होता यह है कि हम जब चैरिटी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं चलो यार कैसे भी दो और कर दो और निपटो, वैसा नहीं है। जो चीज़ मैंने मेरी आंखों से शूट करते वक्त देखी है ना गाइस, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइजेनिक के लेवल कहाँ ले गए हैं वो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं क्या है, कैसा है मामला। तो गाइस जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं, देखते हैं जो लोग चैरिटी करते हैं, तो कई लोग बताते हैं भाई कि चैरिटी करते हैं तो वो ऐसे वैसे कुछ भी देते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग अब सीधे इनके पहुँच चुके हैं किचन में, तो खाना कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे देते हैं, क्या देते हैं, ये सब लोग इंशाल्लाह हम लोग अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी कैसा है, हैंडमेड चीज़ें कम हो गई हैं, अब ज़्यादातर मशीनी चीज़ें हो रही हैं। आप अगर यहाँ पर देख तो ऑटोमेटिक रोटी मशीन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाईजान जो है रोटी की ऑटोमेटिक है और पूरा हाइजेनिक है। आप अगर गाइस देखो ये पूरा हाइजेनिक है, इसको टच तक भी नहीं किया जा रहा है। आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप करें, हाँ ये देख सकते हैं, इसको टच तक नहीं किया जा रहा है गाइस, और बिना टच किए किचन आप साइज देखो। अभी अंदर भी जाएंगे हम लोग, अंदर भी देखेंगे किचन का साइज़ मैं बताना चाहूँगा। एज ए प्लस इस किचन के साइज़ की हम बात करें गाइस तो बहुत बड़ा है, काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ा है। इस तरफ अगर आप देखो ये देख सकते हैं आप, प्योरली हाइजेनिक है, वो प्योरली हाइजेनिक है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने के अंदर आप जो है सिंगल बॉटल भी जो है रीयूज़ करी हुई देते हो, क्योंकि ट्रस्ट कर रहे हो आप, चैरिटी कर रहे हो, मगर यहाँ पर पूरी हाइजीनिक चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। चलिए चलेंगे अंदर की तरफ चलेंगे और अंदर की तरफ देखेंगे अंदर क्या है, और देख सकते हैं आप इंशाल्लाह काफ़ी बड़ा ये किचन है। यहाँ के बर्तन को देख कर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब तरफ जो है अभी आप के अंदर आएंगे, ये पूरा प्रीमाइसेस है। यहाँ पर जो है पूरा एक तरीके से बोला जाएगा कि 12 या 12:30 बजे का इनका टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप मेरी वीडियो में आप देख पाओगे कि 12 या 12:30 बजे के करीब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और बिल्कुल तहजीब और तमीज़ और बिल्कुल सिस्टमेटिक और बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर आराम से लोगों को बनाकर खिलाया जाता है और अच्छे से खिलाया जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो गाइस, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, पूरा प्रीमाइसेस है, यहाँ पर देख सकते हो ये किचन है इनका, अभी यहाँ पर चीज़ें बननी शुरू हो रही हैं, बन रही है। 12:30 बजे के करीब हम जब इसमें आएंगे
तो हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अभी कैसे चीज़ें बनती हैं। चलेंगे अंदर और थोड़ा सा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं बेसन। तो ये बेसन से कुछ बनने वाला है, ये देख सकते हैं आप। ओह गाइस, फ्रेशनेस इसकी स्मेल ऑटोमेटिकली आ रही है मुझे। आप अगर गाइस हो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े किचन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने ट्रस्ट में आपको बताऊँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इतनी साफ सफाई, इतनी हाइजीनिक, एज अ ट्रस्ट या फिर एज अ चैरिटी किचन बोलेंगे, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने के अंदर अगर आप ये चीज़ें लेके चल रहे हो, आज भी दुनिया में देव धर्म के लोग हैं जो किसी धर्म के बारे में नहीं पूछते हैं, किसी का नाम नहीं पूछते हैं, उसको रोटी खिलाते वक्त, उसको खाना खिलाते वक्त, उसको पानी पिलाते वक्त। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं, इसके जो ये वॉलंटियर, एक तरीके से ये भी वॉलंटियर्स हैं, ये सभी वॉलंटियर्स होते हैं यहाँ पर, ये निःशुल्क अपना काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सेवा धर्म का काम है, ये सब मिलके करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि इनके सिलसिले से ये चीज़ें चलती आई हैं। ये सबसे पहले गुरुजी करते थे, उसके बाद में इनके जो है अब जो है सब करते हैं जी जी। ये जो आप यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो इन्हीं से सिलसिला वाबस्ता है ये पूरा, ये इनके सिलसिले के थ्रू चलता आया है। तो ये था हमारा बहुत एक प्यारा सा ब्लॉग जिसको हम अभी यहाँ पर शूट कर रहे थे। अगर इस तरीके की वीडियोज़ ही आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।